एक्सरसाइज ई दिया है, तीन संख्याओं का औसत 14 है, अगर पहली दो का औसत 8 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याओं का एवरेज कितना है? 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना है? 14। ठीक है, तब तीन संख्याओं का कुल टोटल कितना होगा? 14 × 3 = 42 होगा, क्योंकि 42 को 3 से डिवाइड किया तो इसका एवरेज 14 निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया पहली दो संख्याओं का औसत 8 है, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 8। तो पहली दो संख्याओं का कुल कितना होगा, इसको लिख लेना है ना, पहली दो संख्याओं का कुल कितना होगा? 8 × 2, दो संख्या का ना, तीन से बढ़ कितना? 16। अब हमको क्या निकालना है? तीसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो तीन संख्या का टोटल कितना है? 42। दो संख्या का टोटल कितना है? 16। ये दो संख्या का टोटल, तीसरी संख्या का टोटल, इसमें से इसको आप माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 28। खत्म। ये तीसरी संख्या का मतलब पहले दो संख्या का टोटल 16 था, इसमें 28 जोड़ दिया, कितना आ गया था? 42। इसमें इसको माइनस कर दो, 28 आ गया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2। तीन संख्याओं का औसत चौथी का दूना है, जिस संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तीन संख्याओं का जो औसत है वो चौथी का दूना है। ठीक है, चारों संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। ठीक है, चार संख्याओं का औसत जो हमको क्वेश्चन में दिया है, चार संख्याओं का औसत कितना दिया है? 28। तो चार संख्याओं का कुल कितना होगा? चार संख्याओं का कुल 28 × 4, ठीक है, 112 होगा टोटल। ठीक है, अब क्या बोला था हमको क्वेश्चन में, तीन संख्याओं का जो औसत है वो चौथे का जस्ट डबल है, चौथे का डबल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका डबल ले रहे हैं उसको क्या लेते हैं? एक्स। तो माना चौथी संख्या, क्योंकि चौथे का डबल है तो माना चौथी संख्या क्या है? एक्स। क्वेश्चन में क्या बोला, तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो चौथे वाले का डबल है, तो जैसे मान चलिए एक्स है तो तीन संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 2x। चौथे का जस्ट डबल, तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? चौथे का जस्ट डबल मतलब 2x। ये तीन संख्या का एवरेज है, तीन संख्याओं का कुल कैसे होगा? कुल निकालने के लिए क्या करते हैं? तीन से मल्टीप्लाई। ये तीन संख्या का क्या है? एवरेज है ना, औसत है, तो तीन संख्या को उसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6x। ये तीन संख्या का टोटल, ये चौथा संख्या, इसको और इसको जोड़ दो तो चार संख्या का टोटल आ जाएगा, और चार संख्या टोटल कितना है? 112। ठीक है, चार संख्याओं का कुल कितना था? 112 था, इधर 112 चार संख्याओं का कुल। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चार संख्याओं का कुल। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 6x मतलब टोटल तीन संख्याओं का टोटल, और ये चौथी संख्या का टोटल कितना हो जाएगा? 112। 6 और 1 कितना हो गया? 7x = 112। x = 112, 7 इसके डिवाइड में, इसको इससे आप डिवाइड कर दो, 7 × 7 बचा 4 और 2, 7 × 6 = 42। ये चौथा संख्या आ गया आपका 16। ठीक है, हमको बोला था वह संख्या बताइए, कौन सी संख्या? चौथी संख्या बताइए, तो चौथी संख्या आ गया हमारा 16। अतः चौथी संख्या x = 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारा, 21 संख्याओं का औसत, 21 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है।
इसमें एक संख्या जोड़ दें और जोड़ने पर औसत कितना जाता है 22 हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी है? ठीक है, मतलब 22 संख्या कितनी है पता नहीं। ठीक है, आपको ऐसा लगे 21 संख्या का औसत 21 है, तो 22 संख्या का औसत अगर 22 है तो औसत मतलब 22 संख्या क्या होगा, 22 होगा ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, 21 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 21 संख्याओं का औसत कितना है? 21, एवरेज 21 है। 21 संख्याओं का कुल 21 का 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 441 होता है। ये टोटल 21 संख्याओं का, इसको 21 से डिवाइड तो 21 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या जोड़ने पर, एक संख्या जोड़ने पर कुल संख्या कितना हो जाएगा? 22। फिर वही 22 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है, ठीक है ना। एक संख्या जोड़ने पर औसत कितना तो 22 हो जाता है। अब 21 संख्या में एक संख्या जोड़ तो 22 हो गया, 22 संख्या का औसत कितना रहा? 22। तो 22 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। तो 22 संख्याओं का कुल 22 का 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 484। इससे ऐसा मल्टीप्लाई कितना आ गया? ठीक है, तो 22वीं संख्या कितनी हुई? 22वीं संख्या, 22वीं नंबर मतलब 22वीं नंबर वाला जो संख्या कितनी हुई? 484 22 संख्या का टोटल है और 441 21 संख्या का टोटल है। ये 21 संख्या का टोटल था, इसमें मैं एक संख्या जोड़ दिया तो 22वीं संख्या टोटल आ गया। इसमें से इसको आप माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 43। मतलब 21 संख्या में हम लोग इस 21 संख्या के टोटल में 43 ऐड किए थे तब जाके 484 आया था। ठीक है, तो 22वीं संख्या कौन सी है? वो पूछा ना, वह संख्या कौन सी है? अतः वह संख्या क्या है? 22 है। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लिख सकते हो एवरेज ऑफ 21 नंबर्स 21, तो टोटल ऑफ ऐसे करके, ठीक है, हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 9 संख्याओं का औसत 301 है, पूरी 9 संख्या का टोटल एवरेज दिया 901, प्रथम 5 का एवरेज दिया 163, अंतिम 5 का दिया 430, पांचवी संख्या बताना है। मेरे पास यहाँ पे 9 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। प्रथम 5 का टोटल पता है, एवरेज पता है, तो उसका टोटल भी निकल जाएगा। अंतिम 5 का टोटल एवरेज पता है तो उसका टोटल निकल जाएगा। टोटल 9 भी पता है मेरे को, ठीक है, फर्स्ट 5 का भी पता है, अंतिम 5 का भी पता है। जब मैं पहला 5 और अंतिम 5 करा तो पांचवा नंबर वाला दो बार जुड़ रहा है, है ना। ठीक है, मैं अगर प्रथम 5 और अंतिम 5 को जोड़ दूं तो ये वाला दो बार जुड़ जाएगा, और इसमें से प्रथम 5 अंतिम 5 को जोड़ के अगर मैं 9 जो शुरुआत के 9 को घटा दूं ना तो पांचवा वाला निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये दो बार जुड़ा है। ठीक है, तो 9 संख्याओं का एवरेज दिया है आपको, 9 संख्याओं का औसत दिया है, एवरेज औसत दिया है कितना? 301। तो 9 संख्याओं का कुल, 9 संख्याओं का कुल कितना होगा? 301 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2709 हो जाएगा। ठीक है, 9 * 9 = 9, 9 * 9 = 27। ठीक है, फिर प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया है कितना था? 163 था, है ना। अंतिम 5 का 430 था, प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 163। ठीक है, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? 163 है। तो प्रथम 5 संख्याओं का कुल कितना होगा? 163 को अब 5, थोड़ा सा हमारा ब्रेक हो गया था।
है ना, पांच संख्याओं का औसत 163 है, तो प्रथम पांच संख्याओं का कुल कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही अंतिम पांच संख्याओं का औसत अगर 430 है, तो अंतिम पांच संख्या का टोटल कितना होगा, 430 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो 2150। प्रथम पांच और अंतिम पांच को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इसको इक्वेशन टू दिए हैं, इसको इक्वेशन वन दिए हैं, इक्वेशन थ्री दिए हैं, ठीक है, टू और थ्री को जोड़ रहे हैं, क्योंकि मतलब प्रथम पांच और अंतिम पांच को जोड़ रहे हैं, ठीक है। दो और तीन को जोड़ने पर 815 और 2150 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा टोटल 2965 आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। टोटल नौ संख्या है, प्रथम पांच और अंतिम पांच को जोड़े, फर्स्ट फाइव और लास्ट फाइव को ऐड करेंगे, तो पांचवा वाला नंबर है दो बार जुड़ा, मतलब इसमें पांचवा जो संख्या है वो दो बार ऐड हो चुका है। अगर इसमें से मैं इसमें से नौ डिजिट को माइनस कर दूं, नौ डिजिट को, तो पांचवा संख्या मेरा निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण, इसको नाम दे देते हैं चार। समीकरण चार में से एक को घटाने पर, घटाते हैं तो 2965 हमारा टोटल 10 संख्या का टोटल है, इसमें पांच दो बार जुड़ा हुआ है, इसमें से मैं 9 को माइनस कर देता हूँ, 2709 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 256। इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, 256, ये मैंने निकल गया पांचवी संख्या। अतः हैंस फिफ्थ नंबर या पांचवी संख्या क्या आएगा हमारा, 256 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पांच ये दिया है कि चार संख्याओं में से, चार संख्या है, पहले तीन का एवरेज 30 है, अगर पहले तीन का एवरेज अगर 30 है तो उसका टोटल कितना होगा, 90। तीन का 30 का तीन से मल्टीप्लाई करो, 90 आ जाएगा। वैसे ही अंतिम तीन का एवरेज, लास्ट तीन का टोटल चार डिजिट है, चार डिजिट में लास्ट तीन का एवरेज कितना है, 32 है, तो उसका टोटल कितना आ जाएगा, 96। अगर लास्ट वाला डिजिट चौथा नंबर है अगर 38 है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा वो हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं, चलो उधर देखना आप लोग, ठीक है। माना चार संख्याएं, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते संख्याएं, x1, x2, x3 व x4 है, ठीक है। तो प्रथम तीन का टोटल है ना, प्रथम तीन का औसत ऐसे लिखे थे हम लोग, अब ऐसा नहीं लिख के लिख देते हैं, x1 + x2 + x3, इसका एवरेज कितना है, 30, तो इसका टोटल कितना होगा, 90, ठीक है। प्रथम तीन का हो गया, वैसे अंतिम तीन, अंतिम तीन मतलब x2 + x3 + x4, इन तीनों का एवरेज औसत कितना है, 32, तो इनका टोटल कितना होगा, 96। ये तीनों का औसत अगर 32 है, तो तीनों का टोटल कितना होगा, 96 होगा। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये सेम सेम कट जाएगा, ये सेम सेम कट जाएगा, इसमें से ये माइनस के साइन में आएगा, ठीक है। समीकरण एक से, ये दो से एक को घटाओ या दो से एक को घटा दो, एक ही मतलब है, एक से दो को घटाने पर माइनस करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, x1 - x4 बचा, वैसे इसमें 90 से 96 बचा, वैसे दो में से एक को घटाते तो सही रहता, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा घटा दिए, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे, पहली संख्या को पता नहीं, लेकिन चौथी संख्या पता है, कितना दिया क्वेश्चन में, 38 दिया है, अंतिम संख्या कितना दिया है, 38, इसमें से घटाएंगे तो -6 आएगा, इसको उधर भेज दो आप, -6, 38 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, +38, इसमें इसको आप माइनस कर दो, 32 आ गया x1 का आंसर। अतः पहली संख्या x1 = 32 है।